हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। मैं नीना आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम की चटपटी चटनी, जिसे हम एक चटनी को दो तरीके से बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, और अगर कम खट्टा और क्रीमी टेक्सचर में खाना चाहते हो तो इस तरीके से। दोनों ही चटनी आप एक ही चटनी से सिर्फ दो मिनट में बना सकते हैं। रेसिपी काफ़ी आसान है, चलिए देखते हैं। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं। सबसे पहले हरा धनिया, पुदीना, साथ में हरी मिर्चें और कच्चा आम। इनको मैंने अच्छा सा बढ़िया सा पानी से धो लिया है, और धोने के बाद अब ये जो कच्चा आम है इसके मैं छिलके निकाल लूँगी। गर्मी का मौसम आ चुका है, ऐसे में हमें चटपटा और खट्टा खाने का मन करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक या दो मिनट में आपकी चटनी बनके तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही चटनी को मैं बताने वाली हूँ कि दो तरीके से कैसे बना सकते हैं, और यकीन मानिए कि दोनों ही चटनी का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होगा। एक का बिल्कुल आपको खट्टा और टैंगी सा टेस्ट आएगा, और दूसरे का आपका होगा एकदम क्रीमी। तो देखिए, मैंने आम को काट लिया है, उसके बाद इसकी फांके काट लेनी है और इसकी गुठली को अलग कर लेना है। और अब इन सारी चीज़ों को मैं करने वाली हूँ ब्लेंड। तो यहाँ पर देखिए ब्लेंडिंग जार लिया है, और इसमें अब ये सारी चीज़ें मैं मिला दूँगी। तो कच्चा आम, हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये फ्रेश हरा पुदीना, सारी चीज़ें मिलाने के बाद अब इसमें नमक स्वाद अनुसार ले लिया है। साथ में यहाँ पर पिंक सॉल्ट भी ले रही हूँ, इससे भी इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया लगता है। साथ में काली मिर्च पाउडर। इसके अलावा इसमें ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलानी है, और बस अब ले लेना है आधा कप पानी और सारी चीज़ों को मिला के ब्लेंड कर लेना है। और लो जी, हमारी चटनी तो एक बनके तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी मिला सकते हैं, लगभग एक चम्मच के आसपास। तो ये हमारी टैंगी चटनी बनके तैयार हो चुकी है, और इसी चटनी में हम देने वाले हैं एक ट्विस्ट, और इसकी वजह से यही चटनी हमारी बनने वाली है बिल्कुल क्रीमी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों ही कटोरियों में इन्हें अलग अलग डिवाइड कर लिया है। एक हम टैंगी चटनी रहने देते हैं और दूसरी हम क्रीमी बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है मलाईदार गाढ़ा मीठा दही। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपको खट्टा दही बिल्कुल नहीं लेना है, गाढ़ा दही होना चाहिए, मलाईदार होना चाहिए और मीठा दही। तो बस वही दही, मीठा मतलब ये नहीं कि चीनी वाला, मतलब मीठा मतलब कि खट्टा नहीं होना चाहिए दही। अब इस दही को हमने बढ़िया सा इस चटनी में मिक्स कर लेना है, और ऐसा मिक्स करना है कि इसमें किसी भी तरह का कोई दही का लम्स नज़र नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर बन जाना चाहिए। यकीन मानिए कि इस तरीके से हमारी ये जो चटनी तैयार हो रही है ये बिल्कुल अलग लेवल का टेस्ट होगा, और इतना अलग होगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये एक ही, दोनों चटनियाँ एक ही तरीके से बनी हैं। तो बस इसे हमने कर लिया है पुदीने से, गार्निश पत्तियों से, और ये हमारी दोनों चटनियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। तो है ना कमाल, एक चटनी बनाओ और एक ही चटनी को आप दो तरीके से खा सकते हैं। जिनको ज़्यादा टैंगी पसंद हो वो उस तरीके से हरी वाली चटनी खा सकते हैं, जिनको क्रीमी और कम टैंगी पसंद हो वो इस तरीके से दही वाली चटनी खा सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। है तो कितनी आसान आपने देख ही लिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।